राजस्थान में महिलाओं की नीलामी की खबरों के बीच राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया है। इस मामले पर भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने महिलाओं के व्यापार से लेकर अपराध, महिलाओं पर अत्याचार, राजनीतिक उठापटक, जल परियोजना और जनता से जुड़े मुद्दों पर खुलकर बात की। लोकसभा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रेस वार्ता में कहा कि 8 से 18 वर्ष की बेटियों को बेचा जा रहा है। गैर कानूनी संस्थाएं सक्रिय है जो लड़कियों को बेच रही है। उन्होंने कहा कि इसकी हद तो देखो कि 8 वर्षीय बच्चियों को हार्मोन्स के इंजेक्शन लगाए जा रहे हैं, शर्म आती है। राज्यवर्धन सिंह राठौर ने प्रदेश की बेटियों को स्टाम्प पेपर पर बेचे जाने की घटना को तालिबानी घटना करार दिया है। महिला अत्याचारों पर बात करते हुए भाजपा सांसद ने कहा कि राज्य में सरकार की नाक के नीचे सेक्स ट्रैफिकिंग हो रही है, लेकिन राज्य सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी है। खबरें आ रही है कि पूरे प्रदेश से लड़कियों का अपहरण कर उन्हें बंदी बनाया जा रहा है। पकड़ने पर गोदनामा दिखा दिया जाता है। यह बातें पहले तालिबान अफगानिस्तान में सुनाई देती थी, लेकिन अब इसके लिए दूर जाने की जरूरत नहीं, ये सब यही राजस्थान में हो रहा है। भाजपा सांसद राज्यवर्धन सिंह राठौर जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं, राजस्थान उसमें अव्वल नजर आ रहा है, जहां महिलाओं पर अत्याचार और दुष्कर्म के मामलों में अकल्पनीय बढ़ोतरी ने राजस्थान सरकार की पहले ही किरकिरी हो चुकी है। बेटियों को गुलाम बनाने का घिनौना जुर्म प्रदेश में लगातार हो रहा है और सरकार चुप्पी साधे बैठी है। वहीं चाइल्ड लेबर और सेक्स ट्रैफिकिंग के मामले में बीते 3 सालों में 1400 से ज्यादा पहुंच चुके हैं। हालांकि ये सिर्फ दर्ज मामले हैं, इनमें वो मामले शामिल नहीं हैं जो खबरों में तो रहे लेकिन रसूखदारों के चलते एफआईआर में नहीं। कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने आरोप लगाया कि प्रदेश के कई जिलों में मासूम बेटियों को बेचे जाने की सैकड़ों घटनाएं हुई है। पड़ोसी राज्यों में भी बेटियों को बेचा गया, इसके बावजूद भी किसी भी जिले में एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई। प्रदेश में महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा का दावा करने वाले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का असली चेहरा सामने आ गया है। पिछले एक सप्ताह में इस घिनौने जुर्म का खुलासा होने के बाद भी राज्य सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया, यह सरकार की संवेदनहीनता का प्रकाष्ठा है। सांसद का कहना है कि राजस्थान अपहरण, दुष्कर्म, लूटपाट इसमें सबसे पहले नंबर पर नजर आ रहा है और इस पर हमारे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का क्या जवाब आता है, हमें शर्म आ रही है। बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौर ने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को केवल अपनी कुर्सी बचाने की फिक्र है। प्रदेश में अपराध लगातार बढ़ रहे हैं, खास तौर पर महिला अत्याचारों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है, इसके बावजूद भी मुख्यमंत्री को कोई चिंता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, पब्लिक न्यूज़।